नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोदहा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। जौलपुर नाका चौकी के पीछे चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जाता है एक आरक्षक दो पक्षों में चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंचा था कि इसी बीच उसके ऊपर हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। आरक्षक का नाम प्रशांत पिता गोकुल साहू है। उसकी उम्र 38 साल है जो कि पुलिस लाइन दमो में पदस्थ है। उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। दो पक्षों में विवाद चल रहा था जिसके बाद आरक्षक पर चाकू से हमला किया गया। आरक्षक के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। घायल आरक्षक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जलपुर नाका चौकी के पीछे की यह घटना बताई जा रही है। दमोदहा थाना अंतर्गत लगातार अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। चाकूबाजों के जो हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस आरक्षक को भी नहीं बख्शा गया, उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया गया। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दमोदहा थाना अंतर्गत लगातार तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री भी जोरों पर चल रही है। अवैध उत्खनन भी जोरों पर है जिसके चलते इसी तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। रात्रि के समय आरक्षक पर चाकू से हमला हो गया। पुलिस अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, ये काफ़ी बड़ी बात है। दमोदहा थाना अंतर्गत ये बड़ी घटना सामने आई जहाँ पर चौकी के पीछे ही आरक्षक पर चाकू से हमला हो गया है और पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुँच पाई है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि आखिर पुलिस कब तक आरोपियों को ढूंढ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है, क्योंकि आरक्षक पर यह चाकू से हमला हुआ है। समाज में क्या मैसेज जाएगा कि पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं है। क्या हो गया आपको? बीच में आपसे झगड़ा चल रहा था, बीच बचाव करने पहुंचा तो अज्ञात आदमियों ने बीच बचाव के दौरान चाकू मार दिया। कहाँ की घटना है ये? जबलपुर नाका चौकी के पीछे की। किन किन के बीच में बचाव करने पहुँचे थे आप? आपस में झगड़ा चल रहा था। किन का जी तो हमें मालूम नहीं है। आप वहाँ किस लिए गए थे? हमारा वहाँ पे निवास है। अच्छा। हम चौबे हॉस्टल में रहते हैं। क्या करते हैं आप? पुलिस में आरक्षक, पुलिस लाइन में। आप जानते नहीं हैं किसने चाकू? ये आपस में लड़ाई चल रही है, हमने बीच बचाव किया तो मैंने हमारी को घायल करने की कोशिश की। आप बल्दी में नहीं थे उस समय? नहीं थे बल्दी। फिर आपको यहाँ कैसे आया? मैंने सूचना दी जो नाका चौकी में, उन्होंने बताया कि अस्पताल दमोई जिला चिकित्सालय में जाओ इलाज कराओ। क्या नाम क्या बताया आपने? प्रशांत सर। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।